हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम पुनीत एंड वेलकम टू अवर चैनल डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी. सो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है HPSC PGT के रिगार्डिंग जिसका क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन. और अभी आपको प्रिपरेशन करनी है आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके रिगार्डिंग. तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ प्रिपरेशन कीजिए सब्जेक्टिव के. जो हम MCQ प्रैक्टिसेस आज आपको फर्स्ट डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग. सो जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिन स्टूडेंट ने कोर्स को परचेज नहीं कर रखा, जो कोर्स अपलोड किया गया है HPSC PGT, ये आपको मिल जाएगा. आप प्ले स्टोर में जाके डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आपको जो है वो कोर्स जो है वहाँ से बाय कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. वहाँ से आप अपना सिलेबस कर सकते हो और यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, क्या क्या पैटर्न क्वेश्चन के अंदर आएगा, यहाँ पर हम आपको सारा एक्सप्लेन से करवाएंगे. एक्सप्लेन से डिटेल वाइज हम क्वेश्चन करवाएंगे. तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट. एंड मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को इनरोल करवाना है जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए. बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 पर. यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं. देखिए आइए तो हम करते हैं स्टार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1. नेम ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कर्ड. जहाँ पर हम पढ़ के आए हैं, हमने सिलेबस के अंदर भी किया है, जो हमने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि सिलेबस हम करके आए हैं जहाँ पर हमने जो प्रिंसिपल्स करे हैं वहाँ पर हमने डिटेल से स्टडी की है. बट पहले हमारा जो एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था और अब हम जो प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, वो हम करेंगे सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग. तो बेसिकली सब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. क्योंकि देखिए, आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा और जैसे कि जो लिखना है वो अगर आप रिलीवेंट लिखते हो तो ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे ना. ये तो नहीं है कि रिलीवेंट का वैसे ही पेज भर दिया और मार्क्स मिल गया, ऐसा तो नहीं है ना. ओके, तो वहाँ पर हमें रिलीवेंट चीज़ें लिखनी है, लॉजिकल चीज़ें लिखनी है जो कि हम पढ़ के आए हैं हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर. क्या क्या रिलीवेंट चीज़ें होगी, किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, आइए जानते हैं. सो प्रिंसिपल, इन्होंने पूछा कि उस प्रिंसिपल का आप नेम बताइए जो हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है. तो हमारी मैनेजमेंट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है हमारा ओनर का और एक होता है हमारा वर्कर का. इन दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है? मैनेजर. मैनेजर काम करता है, मैनेजर इन दोनों को लिंक करने का काम करता है. यानी कि ओनर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शन सुनता है और फिर फर्दर वर्कर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं या उनसे काम करवाता है मैनेजर. सो जो मैनेजर होता है, मैनेजर वर्कर्स को काम बताता है या काम करवाता है, उस तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, आपकी इफिशेंसी इंक्रीज होती है. तो यहाँ पर बोला हारमनी ज़रूरी, नॉट डिस्कॉर्ड. यानी कि नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब विरोध करना नहीं चाहिए, यहाँ पर हारमनी होनी चाहिए, यानी कि मेल जोल की भावना होना. तो ये आपका एक्सटेंशन है, जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ते हैं ना हम, ये आपका एक्सटेंशन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका ये एक्सटेंशन है. अब बात करते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसी का एक्सटेंशन फॉर्म बता रखा है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना मैनेजर और वर्कर्स के बीच में. यानी कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए. अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी रैदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट.
पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये कोऑपरेशन को लेके चलता है, नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सिर्फ किसी भी सिंगल इंटरेस्ट को लेके नहीं चलता। मैनेजर शुड टेक केयर ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक तरीके से, सो दैट वर्क शुड वर्क विलिंगली एंड गिव देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए ना, तो देखिए यहाँ से ना रिलीवेंसी किस तरीके से होगी। यहाँ पर आपको पूछा, सबसे पहले तो एक्सटेंशन पूछा कि किसका है, तो यहाँ पर सिंपली आप ये बता दीजिए कि एक्सटेंशन जो है वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का है, ये बता दी आपने रिलीवेंट। फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, कॉपरेशन बना के रखना मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, और रेदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि बेसिकली जो ये प्रिंसिपल उसको डिफाइन कर दीजिए और उसका क्या इफेक्ट होगा आपको। फिर ये लास्ट लाइन में बता दिया मैनेजर वर्कर्स की केयर करनी चाहिए, अगर केयर करेंगे तो वर्कर अच्छे तरीके से काम करेंगे, बेस्ट जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कंपनी के अंदर वर्कर्स का, और वर्कर्स का अगर बेस्ट या अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है तो आपके जो कंपनी की वो ग्रोथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, हाँ जी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वन बाय वन हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते चलेंगे क्वेश्चंस को। नंबर टू क्वेश्चन देखिए, नंबर टू क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड बाय टेलर फॉर डिस्टिंग्विशिंग एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। अब मान लीजिए जिन्होंने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रखा उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप सिलेबस को रिवाइज कीजिए, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को पढ़ोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके बारे में लिख पाओगे। क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको एक का एक टिक करके आना है मार्क्स, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना ज़रूरी है ना। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे आप। ओके, तो जो भी स्टूडेंट ने बैच नहीं ले रखा तो वो जल्दी से जल्दी बैच ले लीजिए, और अपना जो वीडियो है वो साथ के साथ देख लीजिए, साथ के साथ ये जो बैच है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ये भी आप अटेंड कर लीजिए एंड परचेज कर लीजिए। परचेज करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 पर। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं अभी। तो यहाँ पर आपसे टेक्निक पूछी गई है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है टेलर के द्वारा, तो अब हम पढ़ के आए हैं कि कौन सी हमने टेक्निक यूज़ की है। जो टेलर है उस सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना उसी का आंसर दीजिए आप, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना है आपको कि क्यों है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन करोगे ना तो क्या दिया गया, टेलर के द्वारा टेक्निक दी गई है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दिया गया है, जो कि हम सिलेबस में कवर अप करके आए हैं इस टेक्निक के अंदर। अब देखिए इसको ना एक्सप्लेन कर रखा है कि इस टेक्निक के अंदर अभी क्या है, तो इस टेक्निक के अंदर है कि वेजेज जो मिलेगी वर्कर्स को वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड, जैसा कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है। अब स्टैंडर्ड कैसा सेट किया गया है, जैसा वर्कर्स परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको वेजेस दी जाएगी। अगर वो स्टैंडर्ड से हायर अगर काम करते हैं तो उसको ज़्यादा वेजेस दी जाएगी, हायर वेजेस दी जाएगी, बिलो द स्टैंडर्ड करते हैं तो उनको कम वेजेस दी जाएगी हायर वेजेस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है ये फुल्ली जो है वो एक्सप्लेन है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा और पता चलता जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो प्रिंसिपल हम पढ़ के आए हैं मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल कैसे बनते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो रिजिड नहीं है as they are determined guidelines which can be used by manager according to the situation, क्योंकि जैसा manager अगर मान लीजिए जैसा manager को situation लगती है वैसा वो guideline क्या कर देता है, issue कर देता है और वैसा ही apply कर देता है। So यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, देखिए they are flexible enough to use module by the manager as per the need of the hours, moreover individual principle are like different tool सर्विंग डिफरेंट पर्पज़, यानी कि डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए,
या जो मैनेजर को लगता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर डिफरेंट गाइडलाइंस इशू की जाती है, डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये इसलिए आपका जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टाइम स्टडी के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको टाइम स्टडी के बारे में पता होगा तब आप उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हो। ऐसे तो कैसे पता लगेगा आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले टाइम स्टडी का पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली टाइम स्टडी क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम की स्टडी करना, कि आप जॉब जो परफॉर्म कर रहे हो कितने टाइम में कर रहे हो, अपना जो पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट कर रहे हो वो कितने टाइम में कर रहे हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है टाइम स्टडी का, सेट अ स्टैंडर्ड टाइम। अब मान लीजिए आप पेपर के अंदर ये बात लिखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम में हम पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर पाए। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपको स्टेटमेंट जो लिखनी है ना, ये नहीं है कि कुछ भी आप लिख दोगे टाइम स्टडी के अंदर, टाइम स्टडी हमारी ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है मैनेजमेंट के लिए, ऐसे नहीं लिखना है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपको रिलीवेंट क्वेश्चन लिखना है और रिलीवेंट क्वेश्चन विद लॉजिक आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो विद लॉजिक अगर आप क्वेश्चन को लिखते हो तो इसकी स्टेटमेंट यही बनती है। फिर आप बता दोगे यहाँ पे कि कोई भी जब टास्क पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रहे हो उसको कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए लिमिट सेट कर देना। एंड दिस हेल्प टू डिसाइड द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, डिटरमाइन देयर वेजेस एटसेट्रा, और उसी के अकॉर्डिंग आप वेजेस असाइन करते हो और पर्टिकुलर टास्क को असाइन करते हो। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए यूनिटी ऑफ कमांड कैसे यूजफुल है, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको यूनिटी ऑफ कमांड का बताना है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है वन बॉस ऑन एवरी सबॉर्डिनेट। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको आंसर दिया हुआ है और इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर देखना है कि इसको हम लिखें कैसे। तो लिखना किस तरीके से, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सबसे पहले तो वही बात बतानी है। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूछा गया यूनिटी ऑफ कमांड, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस ऑन एवरी सबॉर्डिनेट, एंड फिर बता दीजिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विच सेज दैट सबॉर्डिनेट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर। यानी कि एक बॉस जो होता है वो एक सबॉर्डिनेट को क्या करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, ओनली वन हेड, हेंस ड्यूअल सबॉर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड। हमें ड्यूअल सबॉर्डिनेट को अवॉइडेड करना चाहिए। होप्स आप सभी को क्वेश्चंस जो है समझ आ रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिलीवेंसी ऑफ टेलर एंड फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या रिलीवेंस है आपका टेलर का और फ्यूल का आपका कॉन्टेम्प्रेरी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना तो दोनों का कंपेरिजन टाइप हम यहाँ पे करेंगे, दोनों के बारे में हम बताएंगे, दोनों के बारे में हम लॉजिकल चीज़ें बताएंगे जो कि हमने सिलेबस के अंदर कवरअप की है। जिन लोगों ने सिलेबस के अंदर कवरअप की है उनको पता भी होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, बट उनको सीखने की ज़रूरत है कि किस स्टाइल से हम क्वेश्चन को लिखें। ओके, वो स्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तो वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते जाओगे वैसे वैसे आप सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए फ्यूल और टेलर की बात करते हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, दोनों ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो इम्प्रूव करते हैं इफ़िशेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी को, और गाइडलाइंस प्रोवाइड किए मैनेजर के द्वारा जो भी एक्शन या डिसीज़न लिए जाते हैं। और ये आपके जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है ह्यूमन बिहेवियर पर, इसलिए ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं ह्यूमन एंड बिहेवियर, बिटवीन द ह्यूमन एंड बिहेवियर, सो दे हेल्प एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोनों में रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, और दोनों जो प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क
एंड स्पेशलाइजेशन विच फोकस द मैक्सिमम इफिशेंसी. दोनों ही जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, ज़्यादा इफिशेंसी या फिर मैक्सिमम इफिशेंसी किस तरीके से हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की. ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है. दोनों के जो प्रिंसिपल है वो काम को डिवाइड करते हैं, स्पेशलाइजेशन पर फोकस करते हैं एंड किस तरीके से इफिशेंसी इंक्रीज होगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है. यहाँ पे हमने दोनों का बता दिया. देन टेलर जो है, टेलर ने दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि अडॉप्ट किया जाता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एट द शॉप फ्लोर लेवल. द प्रिंसिपल हेल्प इन गिविंग इफेक्टिव रिजल्ट. शॉप फ्लोर लेवल पर कैसे, क्योंकि जो FW टेलर उसने काम करना स्टार्ट किया था शॉप फ्लोर लेवल से ही काम करना स्टार्ट किया था. ओके, बेसिकली हिस्ट्री पढ़ के आयो, ठीक है, या फिर पढ़ लेना, आपको वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएगा. यहाँ पर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे हम कि जो FW टेलर है उसने शॉप फ्लोर लेवल से काम करना स्टार्ट किया था, तो उसने प्रिंसिपल या फिर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी करता है वो शॉप फ्लोर लेवल से इंप्लॉयज की. देन सेम मैनर में हेनरी फ्योल ने भी प्रिंसिपल दिए, बट उन्होंने जर्नल प्रिंसिपल दिए हैं. देखिए नेक्स्ट करते हैं. जर्नल प्रिंसिपल मैनेजमेंट विच इंप्लीमेंट एट ऑफ द लेवल टॉप मिडल लोअर, यानी कि वो किस किस लेवल पर अप्लाई होते हैं, टॉप पर, मिडल पर एंड लोअर पर. हेल्प करेंगे अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक लाइन के अंदर इसने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेशन, रिमूव एम्बिग्विटी, इंक्रीज द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस. यहाँ पर क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन को अचीव करना, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट तरीके से बताना और इम्प्लॉयज़ को इंक्रेज करते हैं वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वन बाय वन. नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड, यदि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राइट प्लेस, सॉरी, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रिंसिपल इज वॉलेटेड, वट आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट. सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट कीजिए. क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करके सबसे पहले उसका आंसर देने का ट्राई कीजिए. यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट प्लेस पर फिजिकल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर आप नहीं सेट करते हो, नहीं प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल का वोलेटेड हो रहा है, वोलेशन हो रहा है और उसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट क्या होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपने पढ़ा है प्रिंसिपल, पढ़े हैं आपने मैनेजमेंट के, जो हम 14 प्रिंसिपल करके आए हैं उसके अंदर से एक प्रिंसिपल है आपका ऑर्डर का. ऑर्डर के प्रिंसिपल में क्या होता है कि हर एक जो चीज़ होती है ना, ईच एंड एवरी थिंग मैनेज इन इन दैट प्लेस. ओके, यानी कि जो भी प्लेस होता है हर एक चीज़ का, उसको उसी जगह पे सेट करना चाहिए, उसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ से आपने उठाई है. लाइक मान लीजिए ऑफिस की कोई भी, ऑफिस का कोई इक्विपमेंट है या फिर फैक्ट्री का कोई इक्विपमेंट है जहाँ से आपने पर्टिकुलरली उठाया है, या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा सामान है जहाँ पे सेट कर रखा है, वो चीज़ें वहीं पर सेट होनी चाहिए ताकि कोई भी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी इक्विपमेंट सर्च करना है, कोई भी पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत पड़ गई तो वो वहाँ पर मिल जाए. यानी कि बेसिकली राइट प्लेस होना चाहिए फिजिकल का एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का. तो ये आता है आपका ऑर्डर में. तो अगर आपने पढ़ रखे हैं प्रिंसिपल्स तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे क्वेश्चन को, अदरवाइज आप आगे पीछे ऐसे ही लिखते रहना, ऐसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. ओके, तो हमें क्या करना है, रिलीवेंसी ही से क्वेश्चन को लिखना है, हमें रिलीवेंट क्वेश्चन को लिखना है और वो क्वेश्चन हमारा तभी अटैम्प्ट हो पाएगा जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देने का ट्राई करेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कब मिलेगा, जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे. तो क्वेश्चन को यहाँ पर हमने ध्यान से पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑर्डर. ऑर्डर को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वोलेशन किया जा रहा है. अब आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज
इफ दिस प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड. यहाँ पर क्या हुआ, अगर रिसोर्सेज को आप राइट प्लेस पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या करो, ऑर्डर का वॉयलेशन कर रहे हो, देन आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेटेड है. तब क्या होगा यहाँ पे, फिर आपको क्या बताना है, रीज़न भी तो बताना है ना. मैंने यही बोला कि एक्सप्लेन भी करना है उसके बाद, तो रीज़न बताओगे तो वेस्टेज होगा टाइम एंड एफर्ट्स, डीले एक्शन, वेस्टेज एनर्जी विच लीड टू अ डीले प्रोडक्शन, कोच हैंड्रेस ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस. तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. फिर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, हर एक आंसर देना है आपको. हर एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उतना उसका हर एक का आंसर देना है आपको. देन उसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन जो क्या परिणाम होंगे, उसकी हेल्प से आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन होगा. सबॉर्डिनेट जान पाएगा कि किसको क्या अथॉरिटी या अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, किससे हमें पूछना है. तो यानी कि यहाँ पर ये भी हम डिस्क्राइब कर पाएंगे. मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन आता है हमारा. एट्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. यानी कि हमें एक्सप्लेन करने हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेलर के द्वारा दिए गए हैं, F.W. टेलर के द्वारा दिए गए हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, यानी कि थिंकिंग बिफोर डूइंग. यानी कि कुछ भी करने से पहले आप सोचिए. ये नहीं है कि जैसा चला आ रहा है उसी को आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो, जैसा चला आ रहा है उसी को आप यानी कि उसी तरीके से आप काम करना स्टार्ट कर दो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको साइंस यूज करनी चाहिए. आपको यानी कि आपको एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, एक सुटेबल मेथड पता होना चाहिए और उसी मेथड का आपको यूज़ करना चाहिए. जो डिफरेंट मैनेजर होते हैं वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, जो कि किसके अंदर आता है, आपका रूल ऑफ थंब में आता है. नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आपका, बट टेलर ने एम्फेसाइज किस पे किया है, फोकस किस पे किया है, ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमम इफिशेंसी. ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर लिखनी है अगर आपके प्रिंसिपल आ जाते हैं तो, क्योंकि जो F.W. टेलर है उसने एम्फेसाइज किया है कि ओनली एक ही बेस्ट मेथड को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि इफिशेंसी जिसकी क्या हो, ज़्यादा हो. एंड टेलर एडवाइज द एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपेयर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेथड के साथ. हमें कंपेरिजन करना चाहिए अगेन एंड अगेन और तब तक टेस्ट करते रहना चाहिए जब तक हमारा जो है मैक्सिमम इफिशेंसी हमारी ना आ जाए ओनली एक ही मेथड की, और फिर वो मेथड ही हमें अडॉप्ट करना चाहिए. तो ये होता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नेक्स्ट देखिए, फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये हम फर्स्ट क्वेश्चन भी करके आए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था. देखिए ये आपका एक्सटेंशन है मैनेजमेंट एंड ये आपका जो मैनेजर्स है एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड ऑनर. यही हम पहले पढ़ के आए ना कि दोनों का लिंक क्रिएट करने का काम करता है जो मैनेजर होता है, वर्कर्स का और ऑनर्स का. जो वर्कर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं मैनेजर से और मैनेजर जो है वो वर्क करवाता है वर्कर से. उन दोनों के बीच के का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए. अगर उन दोनों के रिलेशनशिप जो है वो कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या स्पॉयल हो जाते हैं तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट रहेंगे वर्कर्स पर भी, मैनेजर पर भी और ऑनर पर भी. तीनों पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा ना. सो दिस क्लास कन्फ्लिक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय हारमनी. तो हमें हारमनी से उसको रिप्लेस कर देना चाहिए. हमें आपस में मेल जोल से रहना चाहिए या फिर हमें आपस में कोऑर्डिनेशन से रहना चाहिए. दोनों जो क्या करेंगे, बोथ शुड चेंज देयर थिंकिंग टुवर्ड ईच अदर. दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन. इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि दोनों अगर एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे या अच्छा सोचना चाहिए उसको क्या टर्म बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन बोलते हैं. अगर आप ये प्रिंसिपल के अंदर मेंशन करते हो तो यहाँ से ये शो होता है कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ा हुआ है, रिलीवेंट कंटेंट पढ़ा है और आपने एक लॉजिकल तरीके से स्टडी कर रखी और लॉजिकल तरीके से ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो. कोई भी आप यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रहे हो जो ऐसे ही यानी कि ये लगे कि वैसे ही क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया है. एक लॉजिकल तरीके से, एक प्रॉपर वे से आपका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में चल रहा है. फिर अगर हम थर्ड पढ़ेंगे, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये पढ़ के आए हैं, ये आपका एक्सटेंशन है. दिस प्रिंसिपल एक्सटेंशन, देखिए बार बार में दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है. ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की.
तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक लॉजिकल चीज़ है ना यहाँ पे कि ये किसका एक्सटेंशन है, ये आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। इसके अंदर भी बात वही बताई गई है, बट इन्होंने बोला कि जो वर्कर्स है और जो मैनेजर है उसको आपस में कोऑपरेट करके रहना चाहिए, दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉयज़ को कंसीडर करना चाहिए, यानी कि अगर वर्कर्स कोई सजेशन दे रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, उनको मानना भी चाहिए। अगर आप वर्कर्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी, प्रॉफिट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज़ होगा, और बेसिकली इफ़िशेंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी से ही कर रहे हो, वर्कर्स की मर्ज़ी से ही कर रहे हो। और वर्कर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसको अननेसेसरी या अनरीजनेबल डिमांड पर स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। नेक्स्ट है फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशेंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक जो पर्सन है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इफिशेंसी के साथ काम करे, और वो काम कब कर पाएगा देखिए वो काम कब कर पाएगा, जब उसको हर एक जो वर्कर्स होता है ना, टेलर बिलीव करता है कि हर एक वर्कर को बेस्ट मेथड पता होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहिए जो उनको ग्रेटेस्ट इफिशेंसी दे, या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, इंक्रीज़ हो जिनकी काम करने की, उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए, हायर करना चाहिए। जो सिलेक्शन होता है वो आपका साइंटिफिकली होना चाहिए, ये हमने बात कर ही ली है। एंड वेन द ड्यूटी आर अलॉटेड परफेक्ट मैच शुड बी मेड बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, परफेक्ट मैच होना चाहिए किन किन का, कि आपकी जॉब को क्या रिक्वायरमेंट है एंड वर्कर की क्या कैपेबिलिटीज़ है। अगर वो दोनों मैच होती है तो वर्कर मैक्सिमम इफिशेंसी के साथ काम करता है। अब वो मैक्सिमम इफिशेंसी के साथ कब काम करेगा, जब ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की करवाई जानी चाहिए टाइम टू टाइम वर्कर्स को, उनकी स्किल इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली वो काम को ज़्यादा इफिशेंसी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी। कुछ आपको यहाँ पे टेक्निक्स दे रखी है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको, टाइम स्टडी को, मोशन स्टडी को, फैटिक स्टडी को, मेथड स्टडी को, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आइए वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किसके बारे में आपको बताती है, देखिए टाइम स्टडी डिटरमाइन the proper time for performing the operation, यानी कि determine करना, proper timing determine करना, कोई भी particular operation लगा सकते हो, कोई particular task लगा सकते हो perform करने के लिए, हम time की study करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, जो टाइम स्टडी होती है ना, टाइम स्टडी हम करें, टाइम स्टडी इज़ द ओरिजिनल टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट सिंपली कंसेप्ट थ्रो इट डज रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन एंड एक्सपर्टाइज ऑन पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर। डायरेक्ट टाइम स्टडी टेक्निक प्रिंसिपली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिपीटेटिव वर्क, यानी कि मेजर कर दो जो वर्क जो है वो बार बार में रिपीट हो रहा है उसके लिए कितना टाइम लिया जा रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम आप क्या करते हो, सेट करते हो। यहाँ पे लिखा गया, देखिए ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर लिखनी है कि टाइम स्टडी के थ्रू हम स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फिर उतना टाइम अगर रिपीटेशन पे लग रहा है तो उतने टाइम को आप सेट कर देते हो ताकि अननेसेसरी टाइम की जो वेस्टेज है वो ना हो। देन थ्री ऑब्जेक्टिव आपके क्या क्या होते हैं अचीव थ्रू द टाइम स्टडी के थ्रू आप अचीव करते हो, नंबर ऑफ वर्कर टू बी डिटरमाइन, इंसेंटिव स्कीम आर बीइंग फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, इंसेंटिव स्कीम आप लॉन्च करते हो, लेबर कॉस्ट इज एनालाइज, यानी कि लेबर की कितनी कॉस्ट है वो एनालाइज करते हो। सो एक यहाँ पे फिर आपको एग्जांपल दे दिया, इफ स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू डू पीस ऑफ वर्क 20 मिनट्स, देन वन वर्क कैन बी डन 3 टाइम्स एन आवर्स, और टोटल कितना हो जाएगा 21 टाइम्स, 3 × 7 आवर्स पर डे। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है आपका मोशन स्टडी।
मोशन स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखिए। मोशन स्टडी किस लिए पढ़ते हैं हम? मोशन स्टडी हम पढ़ते हैं रिड्यूस अननेसेसरी मोशन, यानी कि अननेसेसरी मोशन को रिड्यूस करने के लिए हम मोशन स्टडी को पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे ही यहाँ से इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके से जो है वो मोशन करते रहते हैं एम्प्लॉयज और काम कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो हम मोशन स्टडी किस तरीके से हम करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है? तो मोशन स्टडी बेसिकली जो हम करते हैं वो होते हैं स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं हम, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सीटिंग, चेंजिंग पोजिशन एटसेट्रा। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है, कि लिखना बहुत ज़रूरी है ये। ऑन क्लॉज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल फाइंड आउट थ्री टाइप ऑफ मोशन, लाइक नंबर वन मोशन विच आर प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव नेचर, यानी कि जो आपका बेसिकली जो मोशन है वो प्रोडक्टिव नेचर का है या फिर आपका अनप्रोडक्टिव नेचर का है। नंबर टू सम आर देम एक्सीडेंटल, यानी कि जो आपके कंटीजेंट होते हैं या आप बोल सकते हो कि अचानक से लगा सकते हो कि कुछ ऐसे भी मोशन होते हैं, एंड मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, जो मोशन आपके अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप बता रखा है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए मोशन स्टडी क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका फटीक स्टडी। फटीक स्टडी जो हम करते हैं वो हम करते हैं, अब मान लीजिए जो एम्प्लॉय है उसने काम कर लिया, उसको थकान भी तो होगी ना, अब उसको कितने टाइम या फिर कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम स्टडी करते हैं फटीक स्टडी के अंदर। डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये है कि रेस्ट इंटरवल इन कम्प्लीटिंग अ टास्क, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के बाद उसको रेस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अ पर्सन इज बोर टू फील टायर्ड एंड फिजिकल एंड मेंटली इफ़ ही डज नॉट टेक अ रेस्ट, अगर वो रेस्ट नहीं करता है तो फिजिकली और मेंटली उसको क्या लगता है, टायर्ड फील करता है, उसके बाद वो काम नहीं कर पाता है प्रॉपर इफिशेंसी के साथ, काम नहीं कर पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर जैसे स्कूल के अंदर ब्रेक होता है स्टूडेंट्स का आफ्टर फोर पीरियड्स, रिसेस होती है ना रिसेस के बाद, और उसके बाद फिर से आपके लेक्चर्स लगते हैं, फोर या थ्री लेक्चर लगते हैं, तो आप दोबारा से फिर उसी एनर्जी के साथ आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर आप पढ़ते हो कि बेस्ट मेथड कौन सा है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेथड स्टडी का फाइंड आउट करना बेस्ट मेथड, टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। डिफरेंट जो मैनेजर होते हैं डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, बट ऑलवेज ये किसके द्वारा, अभी पढ़ के आए हैं ना हम पीछे कि ऑलवेज वन बेस्ट मेथड हमें सेलेक्ट करना चाहिए और होना चाहिए जहाँ पर हम उसी मेथड के साथ ग्रेटेस्ट इफिशेंसी के साथ काम को करें। राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फिनिश प्रोडक्ट इज डिलीवर टू कस्टमर, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचने तक जो एवरेज जो एक्टिविटीज़ होती है ना, एवरेज जो एक्टिविटी होगी उसकी हम मेथड स्टडी करते हैं कि हर कोई पर्टिकुलर टास्क किस मेथड से परफॉर्म किया जाएगा। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, तो पर्टिकुलर प्रोसेस का स्टैंडर्ड एक सेट कर देना, लाइक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, लाइक प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन, इन सब का आप स्टैंडर्ड जब सेट कर देते हो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। एक प्रीफिक्स आप पहले से ही जब आपको सेट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस से हम काम करेंगे, रॉ मटेरियल इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, टाइम का, प्रोडक्ट का, मशीनरी का, वो होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, एक्सेसिव प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस कर देना चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि स्टैंडर्ड हम फिक्स कर रहे हैं एक्सीलेंस के लिए, और रॉ क्वालिटी इन द रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। और सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये मेन लाइन है इसके अंदर जो लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। इसका मीनिंग अगर डिफाइन किया जा रहा है तो यहीं से किया जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का एम होता है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इलिमिनेट करना, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, लेबर, मशीन एंड टूल्स, एंड इट इम्प्लाय रिड्यूस इन्वेंट्री, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक्सप्लेन करना है फ्यूल विद एग्जांपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी स्प्रिट, डीक्रॉप ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनिशिएटिव। तो ये आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपने पढ़ रखा है और कोर्स के अंदर ये हमने सब चीज़ें डिटेल से करवा रखी है, सब चीज़ें डिटेल से करवा रखी है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी है, ओल्ड स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऐड ऑन हुए हैं उनको भी पता चल जाए कि जो भी वीडियो लेक्चर है उनके अंदर सारा जो सिलेबस करवाया है उस सिलेबस के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। सिलेबस को हमने बेसिक प्लस एडवांस दोनों का ही मिक्सअप हमने करवा रखा है, तो यहाँ पर प्लीज़ मैंशन कर देना। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है फिर आपका फ्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हमसे पूछी गई है टर्म नंबर 1 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले तो मीनिंग बताना है आपको, मैंने इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का बताया है तरीका कि सबसे पहले आप क्या बताओ, मीनिंग बताओ आप यहाँ पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? वन ऑर्गेनाइजेशन वन प्लान, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक प्लान होता है और एक प्लान के थ्रू ही वो काम करेगा, यानी कि वन हेड वन प्लान, बस इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इक्विटी, इक्विटी में क्या आएगा? ज़्यादा इंफेसाइज किस पे करता है फोकस? ये जो प्रिंसिपल करता है इक्विटी एंड फेयर जस्टिस पे करता है, यानी कि जो मैनेजर का जो बिहेवियर है वर्कर्स की तरफ वो इक्वल एंड जस्टिस का होना चाहिए, भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन हम बात करते हैं ई स्प्रिट डी क्रॉप। ई स्प्रिट जो डी क्रॉप है, प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग हार्मनी एंड टीम स्प्रिट अमंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो वर्कर्स है वो टीम में वर्क करें, टीम वर्क को प्रेफर करें, वो होता है आपका ई स्प्रिट डी क्रॉप के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, सब्जेक्टिव पेपर में क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहले तो उसका मीनिंग डिस्क्राइब करो, मीनिंग के बाद उसका जो कारण है वो क्यों है उसको डिस्क्राइब आपको करना है। यहाँ पे आपने मीनिंग डिस्क्राइब कर दिया ना कि क्या मतलब हुआ इसका, उसके बाद कारण कर दो। जो टीम वर्क है वो क्या लीड करेगा, वो यानी कि किस तरफ वो जाएगा, वो जाएगा बेटर कोऑर्डिनेशन की तरफ। और हमें आई का यूज़ नहीं करना चाहिए, आई की जगह पे हमें वी का यूज करना चाहिए, लाइक हमें ये काम करना है, हम साथ चल रहे हैं, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, आप भी साथ में कर रहे हो। ओके, तो हम सब मिलके जो कर रहे हैं वो हमें जो है एक टीम वर्क की तरफ लेके जाता है और एक टीम वर्क जो है उससे हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर हम पढ़ते एवरीथिंग, देखिए ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रखा है यहां पे, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन हिज और हर और प्लेस, यानी कि हर एक चीज़ जो होती है अपनी जगह पे होनी चाहिए, हर एक प्लेस पे होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। डिफरेंट थिंग ऑफ फैक्ट्रीज या ऑफिस में लगा सकते हो ताकि कोई भी अगर सर्च करता है, कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई भी इक्विपमेंट ढूंढ रहा है तो उसको मिल जाए। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है अथॉरिटी कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि डेलीगेट कर देते हो जो डिस्प्रेल अमंग मोर नंबर ऑफ पीपल इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, तो वो क्या होगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन होएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका, नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्यूल है, देखिए फ्यूल बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट वर्क विद एनी वन ऑफ देम आइसोलेटेड, यानी कि फ्यूल जो है वो बिलीव नहीं करता कि आप अकेले या फिर अलग अलग से काम करो। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कभी भी ये नहीं बोलती कि कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए, दोनों को कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। अगर आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हो तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के अंदर आएगा पहल करना या फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन से आप कोई भी काम करने के लिए आगे आते हो, इनिशिएट लेते हो, वो होता है आपका इनिशिएटिव को एक्सप्लेन कर रहा है। अ गुड कंपनी सिस्टम शुड इनवाइट सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, से सजेशन लेती है और बाद में रिजल्ट क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मन लगा के काम करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका इनिशिएटिव में, यानी कि पहल करना, एम्प्लॉयज खुद से पहल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, तो उन क्वेश्चंस को इन इन तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके,